नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले राज्य कुछ मुख्य समाचारों पर। कबूलनावर्ती साई मंदिर में स्वर्गीय रामबाबू शर्मा का जन्म दिवस मनाया गया। भोपुरा में आरडी कौशिक ने साई भजन संध्या का आयोजन किया। सैन परिवार ने वह चूरक पार्क में नव वर्ष मनाया। राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुख जयभवान गोयल ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले देते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। हम पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोस्तलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-221-2322। अब खबरें विस्तार से। कबूलनावर्ती साई मंदिर में स्वर्गीय रामबाबू शर्मा का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर साई संध्या का आयोजन किया गया। पेश है दीपा की रिपोर्ट। वाहन संचालक ताकि उसको भी प्रॉब्लम है ना हो। और दूसरी गाड़ी है 0195 वैगनार, 0195 वैगनार और 0628। जिसकी दिल्ली हो, नया साल है, वहाँ ग्रीन आने वाली में चीज हटा दीजिए। शिरडी में सर्दियों में जब हम जाते हैं तो बाबा के स्थान है समाधि मंदिर। क्यों वर्जित है? क्योंकि बाबा एक दिन छोड़कर वहां शयन किया करते थे, सोने के लिए आया करते थे। और जिस सोने वाली स्थान भोपुरा में आरडी कौशिक ने भी साई भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर बुजुर्ग व्यक्तियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। Thank you.
स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है खादी, आधुनिक फैशन की पहचान है अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन, बिग रेंज ऑफ जीन्स मटेरियल जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जीन्स कुर्ते व जीन्स धोती एंड फॉर लेडीज, लेडीज साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइटीज, लेडीज शॉल्स, साथ ही बेडशीट, ब्लैंकेट, दरिया, रजाई व लोई। स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियाँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियाँ। स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध है ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे, स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंद्र नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन 9313898840 एंड 9313898841।
क्या मैसेज देंगे आप देशवासियों को, प्रदेश को, बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को? सस्सी पब्लिक स्कूल की तरफ से नव वर्ष जो आ रहा है, ये सभी लोगों को मैं मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छोटों को आशीर्वाद के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो इस वर्ष में किया वो सब को पता है जो किया है, लेकिन आने वाला समय हमें सत्य निष्ठा से अपने परिवार से लेकर पूरे क्षेत्र तक, देश तक, हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम कोई हमारे से गलत कार्य न हो और हम तन मन धन से जो जो ड्यूटीज हमारी है उन ड्यूटीज को हम पूरा करें, जिसकी जो ड्यूटी है वो सब पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें, जो संस्कार है उसको ना भूलें, हमें उनको मद्देनजर रखते हुए प्रगति के पथ पर कार्यरत। आपका फिर से स्वागत है। सेन परिवार ने वेस्ट वर्क पार्क में नववर्ष मनाया, पेश है झलक। कहते हैं कि लाखों में अलग ही है, तो हमारे जो सैन परिवार या मैंने अनिल भाई टीम ये काम उसकी प्रेरणा हमारे सामने है। मैं ज्यादा शब्दों को नहीं, ज्यादा समय को नहीं लूंगा, सही तरीके से उनकी प्रेरणा से हम चले, हमारे भाई चले, पूरा परिवार चले, भगवान से यही प्रार्थना। निजामे महकदा कुछ इस तरह बिगड़ा हुआ है, उन्हीं को जाम मिलते हैं जिन्हें पीना नहीं आता, उन्हीं को जाम मिलते हैं जिन्हें पीना नहीं आता। आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे, जिसका कुछ इतिहास भी रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे जीत के पहुंचे हैं इस बार, 20-20 साल से लगे हुए थे और सब आए हुए थे, तो वो पहुंच गए जो दौड़ में शामिल ही नहीं थे। और साथियों, मैं पूरे वैसे तो सारे ही बैकवर्ड की बात है ये, लेकिन मैं अपनी जाति के लिए खासकर चार लाइन लिख के लाया हूं कि भाग्य और भगवान दो ऐसी चीजें हमें बता रखी हैं कि जिसके सहारे सब हमारे हिस्से को लूट लेते हैं और हम भाग्य के सहारे और भगवान के सहारे बैठे रहते हैं। तो मैंने चार लाइन लाया हूं, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, बुला बुलाकर कोई देगा इस धोखे में मत रहना। कल हमारे कुशवाहा जी कह रहे थे भाई एप्लीकेशन कोई देता नहीं टिकट मांगने की, और के भाई हमें टिकट ना दिया, अरे कोई जाएगा लेने तभी तो, बुला बुला के कोई देगा इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान हमारे केवल एक छलावा है, भाग्य और भगवान हमारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना, ईश्वर ही कल्याण करेगा इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, चप्पड़ फाड़ कर धन बरसेगा इस धोखे में मत रहना। साथियों में लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं दल की बात यहां पर नहीं रख रहा, मुझे तो केवल इतनी बात यहां पर लिखा है। मैंने चौधरी जो स्वर्गीय नारायण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है साथियों, उनकी यादें मेरे जीवन में सदा बनी रहेंगी, ऐसा मुझे आप लोगों के बीच में कहना है, क्योंकि बहुत नजदीकी संबंध और नजदीकी मेरी उनके साथ रही। मुझे अच्छी तरह याद है जब चौधरी स्वर्गीय नारायण सिंह जी यहां राजनीतिक क्षेत्र में वो दखल किया करते थे, समाज के लोगों की छोटी मोटी पीड़ाओं को, समस्याओं को लेकर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर
किया करते थे। हमारे साथियों, वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय नारायण सिंह जी वो एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे। अब अक्सर छोड़ के ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फिल्म पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए के बगाड़ का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। छाने लगा बचपन अपने हमारा प्रयास बच्चों को खेल के साथ संस्कार भी सिखाएं कुछ खास। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents Deobhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Thank you.
वाटिका में आप सुकून को अनुभव करेंगे। यमुना पार में हरे भरे और कुदरती नजारों के बीचों बीच शांति और आराम का स्वर्ग है यही। तो आज ही अपना घर बुक कराएं। पता: अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस 416 अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बारह खंबा रोड, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9560491300, 301, 302, 303, 304। ईमेल है ahimsabuilders@gmail.com, वेबसाइट www.ahimsa.com, SMS ABL 257333। तो आज ही अपना घर बुक कराएं अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। समाप्ति में जय भगवान गोल्डन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। बाल की जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुख जय भगवान गोयल। ऑफिस का मैसेज यहाँ आ जाना, आप करेंगे। ऑफिस का एड्रेस है सादरे में, यहाँ पे आ जाना, आपकी मदद कर देंगे। बच्चा लेके आना होगा, राशन कार्ड लग जाएगा। हनुमान मंदिर के पास एड्रेस है, इस पे जा रहे दवाई चेकअप कराओ, डॉक्टर बैठे हैं, दवाई लो, चेकअप करा लो, दवाई ले लो डॉक्टर। हाथ कर रही है, हाथ करो में दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, सर में दर्द हो, किसी भी हो, शुगर बढ़ रहा हो, आंखों का नहीं बढ़ा रहा है, आंखों का जब जान रहा है ना जी, आप स्वास्थ्य जांच सुविधा आयोजन कर रहे हैं, क्यों मन में आई आपकी कि जनता का सेहत पे ध्यान रखा जाए? देखिए महंगाई बहुत है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, एमबीबीएस डॉक्टर के पास, वो देख करके दवाई लिखने के 100-200 रुपये के तो देखने देखने ले लेता है। मेरा एक घर में काम करने वाला बच्चा है, उसको कई दिन से खांसी हो रही थी, मैं डॉक्टर को दिखा गया, डॉक्टर ने 200 रुपये मात्र चेक करने के ले लिए और 500 रुपये दवाई लिख दी। एक गरीब आदमी 700 रुपये का पर्चा देख के वैसे ठीक हो गया, वो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ये लगा कि गरीब आदमी के लिए आज बहुत जरूरत है दवाइयों की। गरीब आदमी इतनी महंगाई के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाता, बीमारी साल लेकर घूमता रहता है। वो सरकारी हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बुरा हाल है, दवाइयां हैं तो बाहर जाके दिखती हैं, हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम जगह जगह जाकर के ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करें, हम दवाइयां भी दे रहे हैं निःशुल्क और चेकअप भी निःशुल्क कर रहे हैं। सेकंड है, किस टाइप के यहाँ पेशेंट आए हैं जिनको आम बीमारियां हैं? देखिए यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, खांसी नजला जुकाम वाले भी आ रहे हैं, आंखों वाले भी आ रहे हैं, हम ईसीजी भी कर रहे हैं, हम शुगर भी चेक कर रहे हैं लोगों की, तकरीबन हम हर किस्म की जो भी है यहाँ हर चीज का हम लोग चेकअप कर रहे हैं। और यहाँ पर आंखों वाले बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत जल्दी प्रयास होगा कि आंखों का स्पेशल कैंप लगाया जाए, जिसमें हम बुजुर्गों की आंखें चेक करेंगे, उनको चश्मे लगाएंगे और जिनके ऑपरेशन होने वाले उनके ऑपरेशन कराएंगे निःशुल्क।
आपके मन में क्यों आती है कि दुखी व्यक्ति की सहायता की जाए, जबकि इंसान क्या अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे सुख से दुखी है वो, आप दूसरे दुख से दुखी है। नर सेवा है नारायण सेवा, कहने को है नर सेवा नारायण सेवा, तो इंसान समझता नहीं है नेता बन जाते हैं। आप कुछ भी बनते रहो, बदलते रहो, मेरा ये मानना है कि अगर मैं समाज की गरीब लोगों की सेवा करूंगा तो मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मान सम्मान नाम जो भी कुछ मेरा है, मेरे ऊपर कृपा है प्रभु की, प्रभु कृपा करते हैं, उस नाते थोड़ा बहुत जो समाज का सेवा का काम है वो हम कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी सबान चालू करने जा रहे हैं अपना, एक यहाँ अपने जमुना पार में नॉर्थ ईस्ट में सबान नहीं है, कोई लोगों के बाहर से मंगवाना पड़ता है, उससे देखा जाए दिक्कत होती है, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, सबान भी एक अपना हो जाएगा, किसी को दिक्कत आती है ऐसी, किसी की डेथ होती किसी की, निःशुल्क सब बांध निगम बहुत घाट जहाँ भी आसपास जाना होगा वो छोड़ के आएगा अपने उन लोगों को। बहुत टाइम है ना, 2 बजे तक है ना, अब तो हम जैसे सब ये प्रयास कर रहे हैं, एम्बुलेंस सेवा हमारी चल रही है। ये सब क्या वजह इसमें दिक्कत आती है, संकट आता है तो आप सबसे आगे होते हैं, क्या वजह इसकी, क्यों मन में आती है, नेता पीछे भाग जाते हैं और आप सबसे आगे रहते हैं और कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं? देखिए ये सब उस प्रभु कृपा है, मेरे ऊपर बांके महिला की कृपा है, वो कृपा करते हैं तो हम लोगों में आ जाते हैं, जो बन पाता है जो करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जनता कहती है कि 4 महीने चुनाव है एमपी के, आपने एमपी के चुनावी तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्या सच्चे क्या झूठ है? देखिए जनता हो जाने क्या, नहीं आपके मन में क्या उत्पन्न हुई है, जनता जो वास्तव में आप एमपी के चुनाव लेना चाहते हैं, जनता चाहते हैं किस पार्टी चाहते हैं, भाजपा से या इंडिपेंडेंट? जनता जैसा भी चाहेगी वैसा होगा, देश में लोकतंत्र है, जनता एमपी बनाती है, जनता एमएलए बनाती है, जनता मुख्यमंत्री, जनता प्रधानमंत्री, जनता ही कौन सा है, यहाँ ये लोकतंत्र है, जो कुछ भी आज तक होना जनता के माध्यम से होना है, जहाँ जनता चाहेगी वैसा हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल 9 महीने से आया मुख्यमंत्री बन गया, आप 30-35 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बन पाए, क्या वजह है? हमने हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमने लोगों को झूठे वादे करके फरेब करके बहका के फुसला के वोट नहीं लेने, लोगों को बहकाना नहीं है, हम बहरूपियां नहीं है कि हाथी एक काम दिखाने के और खाने के, और वोट लेने के वक्त कुछ और बात होती है, इतने लंबे लंबे बच्चों की कसम तक खाई थी, कसम मुझे अपने बच्चों की ना किसी समर्थन लूंगा ना किसी समर्थन दूंगा, और कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, आज उसी कांग्रेस का हर झाड़ू पकड़ा हुआ है, उस सरकार बना के बैठ गए, तो क्या स्टैंड है आपका? हमारा अपना स्टैंड है, जीवन में हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति समर्पित है, जो काम भी हम करेंगे जो भी किया है राष्ट्रहित सामाजिक हित किया है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ, देश को कमजोर करने वाला हो। आज ये केजरीवाल पार्टी ये देश को तोड़क है, ये देश के खिलाफ एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, नक्सलवादी माओवादी ईसाई कम्युनिस्ट सब ये के पीछे हैं, विदेशों से पैसा आकर के लोगों को बहला के फुसला कर सब ड्रामा इन्होंने किया है। कश्मीर पर प्रशांत भूषण ने कमेंट्स किया था, क्या उससे सहमत हैं आप, जो कमेंट्स किया उन्होंने? जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, उससे हम क्या सहमत हो सकते हैं? तो क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट किया, क्यों चुप बैठ गए घर में आप? दो दिन हो गए इस बात को कही, वो कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं, हमने भाजपा कांग्रेस दोनों चाहते हैं कश्मीर हमारा अंग है, भाजपा कश्मीर नहीं चाहते, पूरा देश चाहता है, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और रहेगा। प्रशांत भूषण केजरीवाल जैसे कई आए के चले गए, आज लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदू वहां से मार मार के पीट पीट के भगा दिया, और आज वहां जन्म संग्रह की बात कर रहे हो आप, मतलब क्या है कि कश्मीर उनको दे दो? मैंने क्या कहा कि ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, ईसाई मशीनरियों के लिए काम कर रहे हैं, ये देश में तोड़क है, जनता को इन्होंने बहका लिया, फुसला लिया, वोट ले लिए, मगर थोड़े दिनों में, 2 दिन में 4 दिन में महीने में 2 महीने में इनका असली चेहरा है अभी इनका हो जाएगा, जो इनका मुखौटा उतर जाएगा, जो है दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा, और हमें किसी आगे जल्दी नहीं है। तो आपकी मस्तिष्क की रेखा कहती है कि आपको बहुत बड़ा नेता होना चाहिए था, बहुत बड़ा मिनिस्टर होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, कहाँ वजह है कि आपने अपनी मानसिक योजनाओं का फायदा नहीं उठाया? देखिए क्या वजह है, जहाँ तक नेता बड़ा होता समाज से, मुझे पूरा आशीर्वाद है, पूरा प्यार है समाज का, ठीक है, बड़े होने में कोई कम बड़ा क्या होता है,
आज जो मंत्री है कल सड़क पे आता है, वो जो मंत्री चलता रहता है, वो जब कुछ टाइम आएगा जनता जो बनाएगी बन जाएगी, क्या जल्दी स्वास्थ्य जांच सुबह है। आप जैसे बड़े नेता सड़क पे बैठे हुए हैं, नेता तो एक कंडीशन बैठते हैं, एक किस्म गाड़ी घूमते हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों मन में भावना आती है? हम जमीनी आदमी, हमने हमेशा जमीन पर रह के काम किया है, हम लोगों में है, हमारे को ज्यादा बड़ा नेता नहीं थे, हमारा गोड फादर नहीं था कोई, जिन्होंने हम गांधी खानदान के हैं, नेहरू खानदान के हैं, हमारा जो भी मान सम्मान है हमने यहाँ लोगों में काम करके लोगों में रह करके ही पाया है, आगे मिलना मिलेगा। तो सर जनता की सेवा करते करते आपके बाल उड़ गए, पद कुछ नहीं आया, आपको क्या वजह है? मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, पद क्या होता है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी प्रभु कृपा है, बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। सुना है विधानसभा चुनाव में आपने भाजपा की सहायता की और अपने क्षेत्र से आपने कांग्रेसी विधायक को किसन में पहुंचा दिया, आपने कैसे पहुंचाया किसन में आपने उसको? देखिए हम जो कहते हैं वही करते हैं, हमने बीजेपी को समर्थन दिया तो दिया, खुला समर्थन दिया, ये नहीं कि कहने के और दिखाने के साथ हमारी समझ के बाहर का काम है, हमने खुलकर समर्थन दिया है, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता गए हैं, लोगों को मोबिलाइज किया है कि आज जो देश में सिस्टम बन रहा है, जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश को तोड़ने की बातें हो रही हैं, इन सबको रोकने के लिए आज लोगों में एक मैसेज है कि मोदी ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री रूप में आगे आना चाहिए। हमारे बुलेटिन सदैव आपके साथ है, यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें, हमारे फोन नंबर है 2223823 8 7 9 8 1 2 7 1 8 4 8 9 8 1 8 7 1 5 2, हमारा फैक्स नंबर है 2223 8, ईमेल आपकी बात @yourcoin। हमारा आज का यह ब्रुन समाप्त होता है, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 188 श्री रामनगर शाहगढ़ दिल्ली 32।